बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिल लेक्चर के हवाले से सेकंड परफॉर्मेंस स्टेट सब्जेक्ट बैंकिंग आज लेक्चर नंबर 25 है। चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। आज का चैप्टर 8 का आगाज है जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। बिजनेस में कर्ज अहम है। बिजनेस को डेवलप करने के लिए कर्ज लिए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। हर कर्ज देने वाला कर्ज की वापसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और कर्ज की वापसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं ताकि रहे वो कर्ज रहे वो महफूज रहे। उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट प्रॉमिसरी नोट है। वही का वादानामा कर्ज लेने के बाद कर्ज लेने वाले के प्रॉमिस एक वादा लिखता है कि आज की तारीख से 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो कर्ज लिया गया उसको वापस कर दूंगा। और उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लग जाती है, साइन हो जाते हैं, ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है पब्लिक से। फिर ये जो है लीगल डॉक्यूमेंट बन जाती है, एक कानूनी दस्तावेज बन जाती है जिस कानून के हिसाब से इसको इस कर्ज की वापसी करना लाजमी है उस पीरियड के अंदर। तो इसी हवाले से जो ये प्रॉमिसरी नोट है देने की वादा नामा वही के उसका और इसकी डेफिनेशन डिफाइन प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू 1982 एक्ट 1982 के कानून के मुताबिक प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल ऑर्डर चेक में पढ़ा, अनकंडीशनल ऑर्डर हमने जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा, लेकिन यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे प्रॉमिस है, एक वादा है, लेकिन वो भी अनकंडीशनल गैर मशरूत, किसी किस्म की कोई शर्त नहीं, शर्त के बगैर गैर मशरूत। प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, लेकिन जो प्रॉमिस है इन राइटिंग मेड बाय वन पर्सन, वो एक पर जो कर्ज दे रहे हैं वो बनाएगा टू एन अदर, दूसरे के लिए जिससे उसने कर्ज लिया है उसके लिए बनाएगा। साइन बाय मेकर और बनाने वाला यानी कर्ज देने वाला उस पर साइन करेगा। एग्रीमेंट टू पे जिसने अपने आप को इस बात पर पाबंद कर रहा है वो अदा करेगा। ऑन डिमांड, जब डिमांड किया जाए या एक जब तय शुदा तारीख के बाद 3 महीने 6 महीने जो भी है। और एट अ फिक्स्ड डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम यानी कि फ्यूचर डेट अ सम सर्टेन मनी को कुछ कर्ज दिया गया 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 में से जो भी रकम कर्ज दी गई सर्टेन खास रकम जो है लिखी जाएगी तो दी ऑर्डर है जिसको ऑर्डर करें और स्पेसिफाइड पर्सन या किसी खास फर्म का उसे ऑर्डर करें उसका नाम लिखवा लें और उसकी गैरन या जो भी होल्डर जो है वो नोट है प्रॉमिसरी नोट का होल्डर कोई भी है वो लेकर आए उसको दे दिया जाए। तो जब परचेजर या जो है वो लोन टेकर जिसको बॉरोवर कहेंगे वो मनी बॉरो करके मनी लेंड करके प्रॉमिस लेकर दे देगा किसी एक फर्द के नाम लिख दिया भाई आप ठीक है आप इस फर्द को मैं दे दूंगा या कोई भी होल्डर लेकर आ जाए मैं उसको दे दूंगा। तो अभी प्रॉमिसरी नोट भी जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है वो पास आउट होता रहता है 1, 10, 2 एंड अदर 3, 4, 5, 6 हैंड आउट हैंड से पास आउट हो सकता है बिल्कुल जस्ट लाइक करेंसी नोट की तरह। तो ये क्या है प्रॉमिसरी नोट एक डेफिनेशन और अब प्रॉमिसरी नोट इज एन कंडीशनल प्रॉमिस ये गैर मशरूत देने की वादा है बाय द बॉरोअर कर्ज देने वाले की तरफ से रिटर्न द बॉरोड मनी जो उसने कर्ज लिए उसको वापस करेगा उसका वादा है। और स्पेसिफिक डेट के खास मखसूस तारीख 3 महीने 6 महीने बाद टू दी लैंडर और ऑर्डर जिससे कर्ज लिया गया उसको या जिसको वो ऑर्डर करेगा। तो ये डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि प्रॉमिसरी नोट क्या है क्यों बनता है कर्ज लेने देने वाले आपस में कर्ज लेते रहते हैं उसकी वादा बनता है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट जैसे चेक के बिल के एसेंशियल्स थे ऐसे प्रॉमिसरी नोट के भी एसेंशियल्स हैं। नंबर वन इट मस्ट बी राइटिंग विद तहरीरी होना चाहिए। नंबर टू इट मस्ट बी अ प्रॉमिस ये वादे पर मुश्तमिल होना चाहिए ऑर्डर नहीं प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू पे मैं वादा करता हूँ कि अगर करूँगा डेट आफ्टर 3 मंथ्स आज की तारीख से 3 महीने बाद 6 महीने बाद तो प्रॉमिस होना चाहिए। द नोट मस्ट बी अनकंडीशनल कोई शक नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो ऐसा अदा करूँगा क्या ये हुआ तो अदा करूँगा इस किस्म की या ऐसी कोई बात नहीं यानी अनकंडीशनल चेक की तरह और जब एक्सचेंज की तरह अनकंडीशनल है कोई शर्त नहीं बगैर शर्त के प्रॉमिस कैंडिंग द रिटर्न ऑफ बॉरोड मनी उसका जो
स्वामी से जो कर्ज ली गई है उसकी रकम की वापसी का जो है पॉलिसी होगी। नंबर फाइव, नोट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, या तो जब डिमांड किया जाए 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद 1 महीने बाद भाई मेरे पैसे दे दो तो उस वक्त दिया जाए, या एक पहले से जो तय शुदा तारीख है जो नोट में लिखी गई है यानी कि आफ्टर डेट आफ्टर 3 मंथ्स आज की तारीख से 3 महीने बाद तो 3 महीने बाद ही अदा होगा। तो ये स्पेसिफिक टाइम मेकर मस्ट बी साइन ऑन इट, मेकर यानी बॉरोवर कर्ज देने वाला जिसने कर्ज दिया उसके साइन होना लाजमी, वो तो प्रॉमिस कर रहे हैं दूंगा। प्रॉमिस मस्ट बी बेयर अ रेवेन्यू स्टैम्प, प्रॉमिस की नोट है उस पर रेवेन्यू स्टैम्प होगी, उस पर बॉरोवर के साइन होंगे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बनेगी, बनने नहीं बनेगी यार, इसका होना जरूरी है, इसके बगैर ये प्रॉमिस नोट नहीं बनेगा, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। द मेकर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, बनाने वाले एक खास शख्स, वो खास शख्स कौन सा है, बॉरोवर, हर मनी कर्ज लेने वाला, लैंडर कर्ज लेने वाला बॉरोवर है। पे मस्ट बी सर्टेन पर्सन, इसी तरह जिसको दिया जाएगा वो भी एक खास पर्सन होना चाहिए यानी जिससे कर्ज लिया गया, जिससे कर्ज लिया गया, तो वो अब इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ तक जो हमने पढ़ाया हम समझ में आ सकता है, हम खुद पहचान सकते हैं इसमें इस बैटर में कितनी पार्टीज है। पार्टीज ऑफ नोट, देयर आर टू पार्टीज, दो ही पार्टीज है, एक तो बॉरोवर कर्ज देने वाला जो ड्रॉ करेगा पॉलिसी को, लिखेगा वादानामा कि ली गई 1 लाख कर्ज की रकम का मैं वादा करता हूँ आज की तारीख से 3 महीने 6 महीने बाद अदा करूँगा, तो वो ड्रॉयर होगा। ड्रॉयर इट इज अ पर्सन हु ओस मनी, जो कर्ज देता है पैसे को, ड्रॉइंग कर्ज देने वाला जिसने कर्ज दिया है जो वादा ले रहे हैं मेरे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसे दे दो। अगली चीजें जो है अगले लेक्चर में होगी। अस्सलाम वालेकुम।